हेलो फ्रेंड्स, डेवऑप्स एसेंशियल की वीडियोस में मैं मंसूर हसन आपको बहुत खुशामदीद कहता हूँ। अभी जो हमारा सेक्शन चल रहा है डेवऑप्स एसेंशियल में, वो हम बैश स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। और बैश स्क्रिप्टिंग में हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमने बैश स्क्रिप्ट्स को डिफाइन करना है और उनके साथ काम करना है। तो प्रीवियस वीडियो में जो है हमने एरेज और डिफरेंट चीज़ों को अभी तक हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, काफ़ी कुछ हम एक्सप्लोर कर चुके हैं बैश स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी स्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। बेसिकली स्क्रिप्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करने का बेसिक मकसद क्या है। नॉर्मली हमारे पास सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जिसमें हमें जो है अपनी कुछ सर्विस की जो है ना मॉनिटरिंग करनी होती है, कुछ सर्विसेज को जो है ना हमने या कोई प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है, स्टॉप करना होता है, या अपनी स्क्रिप्ट हम कोई ऐसी लॉगिंग वाली स्क्रिप्ट बनाते हैं जो हमारे डिफरेंट किस्म के लॉग्स को कलेक्ट करती है। और वो हम ना ऑब्वियसली स्टैटिक नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कोई अपनी स्क्रिप्ट के अंदर कोई वैल्यू पास करें और वो वैल्यू जो है हमारे लॉग्स के अंदर से पुल आउट करके लिया है, या हम अपने स्क्रिप्ट के अंदर कोई वैल्यू पास करें और वो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। इस तरह से हम जो है अपनी स्क्रिप्ट के अंदर जो है आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। तो बैश के अंदर जो है स्क्रिप्ट को पास करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे बेसिक से, किस तरह से हम बेसिक लेवल पे आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट को पास करने के दो तरीके होते हैं कि जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स होते हैं, इंटरनल वेरिएबल जिनको कहते हैं, वन और डॉलर वन से लेकर डॉलर एन, मतलब आप जितने भी आपने वेरिएबल के नंबर को सेट करने हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इंटरनल वेरिएबल होते हैं और ये आपके स्क्रिप्ट के अगेंस्ट काम करते हैं। जब अपनी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो स्क्रिप्ट की जो वैल्यू, जो पैरामीटर आप पास करते हैं, वो इस वेरिएबल में आ जाता है या इसी तरह के किसी वेरिएबल में आ जाता है। और फिर हम उस स्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल है उसको हम वो जो वैल्यू है पैरामीटर पास है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्ट जो है एक डॉलर वन को एको कर दूँ, ठीक है, एस एच आर्ग्यूमेंट डॉट एस एच फर्स्ट। तो यह करेगा, ये डायरेक्टली मेरे आर्ग्यूमेंट को पास कर देगा। अगर इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल प्रिंट कर दूँ तो ये उस दूसरे वेरिएबल को भी प्रिंट कर देगा, उस दूसरे पैरामीटर को भी एज ए वेरिएबल ट्रीट करेगा, ठीक है। सेकंड, इसी तरह से नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को मैं जो है इस तरह से कलेक्ट कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास कि हम डॉलर वन, डॉलर टू, डॉलर थ्री, डॉलर फोर को जो है ना लें और उनको जो है यूज़ करके प्रिंट आउट करें, प्रिंट करें अपनी स्क्रिप्ट के अंदर या उन स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इन सारे जो पैरामीटर मैं नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर रहा हूँ वो एक एरे में ले लूँ। तो जो एरे के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर जो जब मल्टीपल पैरामीटर पास होते हैं और उनको हम एरे में कंटेन करते हैं, तो एरे के लिए जो हमारा तरीका होता है वो ये होता है, डॉलर एट द रेट बेसिकली एक्ट एज ए एरे। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल पास करना चाहूँ पास कर सकता हूँ, ठीक है। अब प्रीवियस वाले में लिमिटेशन क्या थी, प्रीवियस वाले में लिमिटेशन ये थी कि अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉलर वन, डॉलर टू, अब लिमिटेशन ये है कि मैं सिर्फ इस एक वक्त में सिर्फ दो वेरिएबल ही अपने स्क्रिप्ट के अंदर पास कर सकता हूँ। अगर मैं तीसरा वेरिएबल अपनी स्क्रिप्ट में पास करूँगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसमें ये होगा कि अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट को डायनामिक रखना चाहता हूँ तो अपने मैं रादर देन मैं स्टैटिक वेरिएबल्स को डिफाइन करूँ, मैं एक जस्ट एट द रेट के एरे को इनिशियलाइज करूँ और एज मच एज पैरामीटर्स मैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर पास कर सकता हूँ। तो ये तुम्हारा बेसिक इस यूसेज हो गया कि हम किस तरह से एरे स्क्रिप्ट के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास मैंने कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट स्क्रिप्ट के अंदर पास करें, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं पॉन्ड का। बेसिकली ये क्या करता है, ये जो है आपके नंबर ऑफ जो आपके जो भी इसके अंदर जितने भी मेम्बर होंगे उनका काउंट लेके प्रिंट कर देगा। लेट सपोज यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर मैं चार वेरिएबल पास कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, डॉलर पाउंड का वन, टू, थ्री और फोर ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये तो हो गया बेसिक कि हम किस तरह से अपने स्क्रिप्ट के अंदर जो है वैल्यूज को पास करते हैं। नाउ लेट्स सी कि हम किस तरह से अपनी स्क्रिप्ट के अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को लिमिट कर सकते हैं। कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर मैक्सिमम
दो वैल्यूज पास, दो पैरामीटर्स पास हों एज ए आर्ग्यूमेंट। लाइक अभी जैसे मैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बस कोई भी दो पैरामीटर मेरी स्क्रिप्ट के अगेंस्ट पास हों। तो उसके लिए मैं मुझे जो है इफ़ के कंडीशन को यूटिलाइज करना पड़ेगा। और उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे, थोड़ा सा बेटर वे में काम करेंगे, हम एक इंटरनल बैश का वेरिएबल को यूज़ करेंगे अपने यूज़र डिफाइंड वेरिएबल के अगेंस्ट। लाइक मैंने बोला कि पॉन्ड के अगेंस्ट जो भी वैल्यू डॉलर एट द रेट के अगेंस्ट जो भी वैल्यू वो इधर पेस्ट कर दो, इसके बराबर कर दो, ठीक है। दूसरा काम, अब मैं इफ़ की कंडीशन इनिशियलाइज कराऊंगा और मैं देखूंगा उसमें काउंट क्या करूंगा। अब जो भी मेरे स्क्रिप्ट के अंदर नंबर ऑफ पास हो रहे हैं वो, अब मैं बोलता हूँ अगर मेरी स्क्रिप्ट के अंदर जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो मेरी स्क्रिप्ट क्या प्रिंट कर दे, एको स्क्रिप्ट हैज सफिशिएंट मेंबर्स पैरामीटर्स, ठीक है। ठीक है जी, सॉरी देन लगाना भूल गया था। और एल्स क्या करे, एल्स में क्या करे, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अगर वैल्यूज दो से दो या दो से कम हो तो क्या प्रिंट करो, स्क्रिप्ट हैज सफिशिएंट पैरामीटर्स, अगर इससे कम है तो क्या करो इनवैलिड पैरामीटर्स, ठीक है, इनवैलिड पैरामीटर्स ये प्रिंट कर दो, ठीक है। अभी होगा क्या बेसिकली कि जो भी वैल्यू है अगर उसका जो भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में अगर पास करता हूँ अगर वो दो से ज़्यादा हुए तो वो क्या करेगा, वो ये वाला बोल देगा कि इनवैलिड पैरामीटर्स। अगर पास्ट पैरामीटर्स दो या दो से कम हुए तो मेरी स्क्रिप्ट ये प्रिंट करेगी, मतलब एक हुआ या दो हुए तो वो ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा। तो पहले हम दो प्रिंट करके देखते हैं, दो आर्ग्यूमेंट पास करके देखते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो बोलेगा स्क्रिप्ट है सफिशिएंट पैरामीटर। अब हम एक पास करके देखते हैं सेम बात कर रहा है, अब अगर हम तीन पास करके देखते हैं तो क्या कहेगा, स्क्रिप्ट कहेगी इनवैलिड पैरामीटर्स। लाइक मेरी जो आपने स्क्रिप्ट के अंदर पैरामीटर्स पास करें उनका जो उसके अगेंस्ट जो कंडीशन लगी हुई है, अब हुआ क्या जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पास करे तो वो कहाँ पे आके स्टोर होगा, इधर। इस वेरिएबल को इंस्ट्रक्शन थी कि इस वेरिएबल के अंदर जितने भी मेंबर हैं उसका काउंट ले लो, ये बेसिकली इंटरनल वेरिएबल है तो ये क्या करते हैं इंटरनली सब काम करते हैं। तो इसने क्या करा, डॉलर पाउंड ने उस इसके अंदर जितने मेंबर्स थे उनका काउंट लिया, और इफ़ की कंडीशन ने क्या करा, ये चेक करा कि अगर डॉलर पाउंड के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू या दो से कम है तो मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर वो पैरामीटर्स दो से ज़्यादा हैं तो क्या होगा इनवैलिड पैरामीटर्स की लाइन प्रिंट हो जाएगी। ये तो हमारा बेसिक यूटिलाइजेशन हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल वे में करके देखते हैं कि अगर अगर मैंने अपनी किसी भी सिस्टम सर्विस स्टार्ट करनी, लेट सपोज मेरे पास मोंगो इंस्टॉल्ड है और मैं चाहता हूँ कि अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू मोंगो को स्टार्ट करूँ। अभी मैं तो एक टेक्निकल हूँ तो फिर मेरे लिए क्या है कि मैं आसानी से मोंगो की सर्विस को स्टार्ट स्टॉप कर सकता हूँ। किस तरह से, मोंगो डी माइनस माइनस कॉन्फिग etc mongo डॉट conf, ठीक है, इस तरह से मैं अपनी सर्विस को स्टार्ट कर सकता हूँ। बट मुझे लगता है कि मैं इसके बजाय कोई थोड़ा सा सफिशिएंट वे ढूंढूं जिसमें जो है मेरी मेरा प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाए और जो है मैं कुछ और भी उसके साथ इफेक्टिव काम कर सकूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम अपनी मोंगो के को स्टार्ट करेंगे और स्टॉप करेंगे। तो एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं vim mongo डॉट sh, ठीक है, अगेन वही सारे काम करने हैं हमने, पहले शिबैंग स्ट्रिंग वगैरह, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम अपने स्क्रिप्ट के अंदर एक वैल्यू पास करते हैं आर्ग्यूमेंट की और उसको बराबर कर देते हैं किसके, डॉलर पॉइंट के। दूसरा काम हम ये करते हैं कि हम अपना मोंगो का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले हम इफ़ की कंडीशन चलाएंगे और देखेंगे कि जो हमारे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है वो करेक्ट होने चाहिए।
तो वही सेम जो अभी हमने पीछे काम करा था, हम सबसे पहले चेक करेंगे डॉलर पॉन्ड लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मुझे एक पैरामीटर पास करना है तो मैं लिखूंगा लेस देन इक्वल टू। अगर कंडीशन ये हो रही है तो क्या करो, एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर दो, पहले एक लाइन प्रिंट करो मोंगो इज स्टार्टिंग, ठीक है, और क्या कौन सा फंक्शन स्टार्ट कर दो, मोंगो जो अभी हम एक बनाएंगे, मोंगो अंडरस्कोर फंक का एक फंक्शन बनाएंगे, और एल्स में हम डिफाइन कर देते कि अगर इसके अलावा कुछ हो तो लिख दो इनवैलिड पैरामीटर्स, ठीक है, इनवैलिड नंबर ऑफ पैरामीटर्स। एक हमने ये लाइन प्रिंट कर दी, अब हमने अपनी इफ की कंडीशन को कर दिया क्लोज, ठीक है। अब एक फंक्शन बना देते mongo underscore func के नाम से, अब उसमें क्या होगा, बेसिकली उसमें हम mongo के अंदर जो है ना एक कुछ इस फंक्शन सब फंक्शन एग्जीक्यूट कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बोला कि अगर mongo के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है, अब हम केस स्टार्ट कर रहे हैं, केस से स्टार्ट करते हैं, केस डॉलर arg, ठीक है, इन अगर arg के अंदर जो वैल्यू हो वो हो माइनस माइनस स्टार्ट, तो क्या करो, गो mongo का एक फंक्शन चला दो, गो mongo का एक फंक्शन चला दो जो अभी हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा उल्टा लेके चल रहे हैं, हालांकि पहले मुझे गो mongo का फंक्शन बनाया चाहिए था, चलें तो पहले गो mongo का फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, पहले एक गो mongo का फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम mongo की सर्विस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, और इसमें लिख देते हैं हम mongo इज गोइंग टू स्टार्ट, और अब उसके बाद हम mongo की वो लाइन कॉपी कर देते हैं, ठीक है जी, mongo की लाइन कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर mongo स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं mongo इज स्टार्टेड, mongo इज स्टार्टेड, ठीक है, ये हो गया, और इस फंक्शन को हमने कर दिया क्लोज। अब एक और फंक्शन बनाते हैं स्टॉप mongo का, जिसमें हम mongo को स्टॉप करेंगे, ठीक है जी, इसी कमांड को यूज़ करेंगे, इन्हीं तीन कमांड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट की जगह लिख देंगे mongo इज़ गोइंग टू स्टॉप, और यहाँ पर हम माइनस माइनस शट डाउन का पैरामीटर पास कर देंगे जिससे mongo स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पे हमने लिख दिया mongo इज स्टॉप्ड, ठीक है जी। मेरे दो फंक्शन बन गए, गो mongo और स्टॉप mongo। अब मैंने बोला कि अगर मेरे पास जो वैल्यू पास हो रही है स्क्रिप्ट के अंदर उसके उसकी वैल्यू माइनस माइनस स्टार्ट हो तो क्या फंक्शन एग्जीक्यूट कर दो, गो mongo वाला। अगर उसके अंदर वैल्यू आ रही है माइनस माइनस स्टॉप तो क्या करो, स्टॉप mongo का फंक्शन एग्जीक्यूट करा दो। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आती है तो क्या करो, एको करो, बिल्कुल एको करो इनवैलिड पैरामीटर्स, पैरामीटर प्लीज यूज बिलो पैरामीटर्स, थोड़ा सा खूबसूरत कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं माइनस माइनस स्टार्ट, ये जस्ट फॉर डेकोरेशन है, इसका स्क्रिप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस ऑप्शन विल स्टार्ट mongo, ठीक है, माइनस माइनस स्टॉप, दिस ऑप्शन विल स्टॉप mongo, ठीक है, एको का काम पूरा हो गया, और यहाँ पर अब हम अपना ESAC के थ्रू जो है अपना केस स्टेटमेंट बंद कर देते हैं, ठीक है जी। हमारा क्या क्या काम हो गया, हमारे केस स्टेटमेंट चल गए, नंबर ऑफ mongo func चलेगा, ठीक है, mongo func यहाँ पर चलेगा, और mongo func चेक करेगा और इन दोनों स्क्रिप्ट को फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है जी। sh mongo.sh माइनस माइनस
अब थोड़ा सा फॉल्स आर्ग्यूमेंट पास करके देखते हैं। पहले हम कंडीशन चेक करते हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वाली, ठीक है, एंड ऑफ फाइल लाइन नंबर 41। ओके, फंक्शन क्लोज नहीं हुआ था, फंक्शन ऊपर क्लोज होना था ये, ठीक है जी, फंक्शन ऊपर क्लोज होना था, फंक्शन क्लोज नहीं हुआ था इसलिए उसने लाइन नंबर 41 के ऊपर एरर दिया था, ठीक है। इनवैलिड नंबर ऑफ पैरामीटर्स, मैंने दो पैरामीटर्स पास करे तो सबसे पहले क्या हुआ कि वो इस सेक्शन में आया और इस सेक्शन में आने के बाद उसने चेक करा कि जो डॉलर आर्ग्यूमेंट इसके अंदर जो वैल्यू है उसकी उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो एक और एक से कम है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा थे उसने ये वाली लाइन प्रिंट कर दी। अब हम एक वेरिएबल पास करके देखते हैं, माइनस माइनस स्टार्ट, पहले देख रहे हैं मोंगो का प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा, मोंगो का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है तो पहले मोंगो के प्रोसेस को बंद कर देते हैं ताकि प्रॉपर वे में स्टार्ट कर सके। माइनस माइनस शट डाउन, माइनस माइनस कॉन्फिग स्लैश एटीसी स्लैश मोंगो, ठीक है, मोंगो बंद हो गया, चेक कर लेते हैं, मोंगो बंद हो गया। अब हम अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू जो है अपने मोंगो को स्टार्ट करते हैं, sh mongo dot sh माइनस माइनस स्टार्ट, मोंगो का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मैं मोंगो कनेक्ट भी करके देख सकता हूँ, मेरा मोंगो कनेक्ट हो गया, ठीक है जी। इसी तरह से इसके माइनस माइनस स्टॉप वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है, मोंगो स्टॉप हो गया और मैं मोंगो को कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये तो एक सेक्शन हो गया कि हम अब फॉल्स आर्ग्यूमेंट पास करके देखते हैं, हमने सिर्फ दो अलाउ करें माइनस माइनस स्टार्ट और माइनस माइनस स्टॉप, तो मैं देखता हूँ कि इसके अलावा भी कोई वेरिएबल मेरे स्क्रिप्ट के अंदर पास हो सकता है। तो उसने क्या कर दिया, इनवैलिड पैरामीटर प्लीज़ यूज ब्लो माइनस माइनस, जो कि हमने किस सेक्शन में डिफाइन करा था, वो हमने डिफाइन करा था इधर कि अगर इन दोनों के अलावा कोई वैल्यू हो तो क्या ये लाइन पर ये वाला फंक्शन प्रिंट कर दो। तो इस ये स्क्रिप्ट में हमने ये देखा कि हम किस तरह से जो है अपनी मोंगो के फंक्शन को यूज़ करते हैं, लाइक स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, हम किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। ये सेम गोज़ विद एनी प्रोसेस, आप इससे अपाचे का प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और डिफरेंट काम भी कर सकते हैं। अब दूसरा काम हम ये करते हैं कि हम एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसके थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से मोंगो के स्क्रिप्ट के थ्रू अगर हम अपनी सर्विसेज को मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें हम ये करेंगे कि हम किसी भी प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे, लाइक मोंगो के प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे और वो देखेंगे कि अगर मोंगो का प्रोसेस चल रहा होगा तो उसको मॉनिटर करके, अगर नहीं चल रहा होगा तो क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट एक ईमेल निकलवा देंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट बनाते हैं मोंगो डैश मोनिटर डॉट एस एच के नाम से, ठीक है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराते हैं जिसमें हम मोंगो के प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे, मोंगो मोंगो डी, ठीक है। मोंगो के प्रोसेस को हम मॉनिटर करने के लिए क्या करेंगे, पी एस आई उसके प्रोसेस आईडी ग्रैब करेंगे, ग्रैब करने के लिए हम लिखेंगे मोंगो डी। अभी क्योंकि मोंगो नहीं चल रहा है तो सबसे पहले मोंगो को स्टार्ट कर देते हैं, मोंगो डी, ठीक है जी। इसमें से दूसरी वाली लाइन में गायब कर देता हूँ जिसमें मोंगो ग्रैब को मैं गायब कर देता हूँ, ग्रैब माइनस ई ग्रैब। अब मेरे पास एक लाइन आ गई, तो अब मुझे इसकी इस वाली फील्ड को कैप्चर करना है, तो उसके लिए ए डब्ल्यू के को मैं यूज़ करूँगा और प्रिंट डॉलर टू होना चाहिए, ठीक है। डॉलर टू से मेरे पास ये जो इसकी प्रोसेस आई डी आ गई मोंगो की, ठीक है। एक वेरिएबल मैंने ये सेट कर दिया, दूसरा वाली मोंगो काउंट कर लेते हैं, एक और वैल्यू मोंगो काउंट कर लेते हैं जिसमें हम मोंगो के प्रोसेस को का काउंट लेंगे और उसमें देखेंगे कि उससे हम कंडीशन यूज़ करते हुए एक प्रोसेस एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है जी। मेल का फंक्शन ऊपर बनाएंगे तो उससे के लिए इफ़ की कंडीशन मैं नीचे लगाऊंगा, इफ़ मोंगो काउंट
डॉलर मांगो काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू वन सॉरी इक्वल टू वन तो इसका मतलब है कि मोंगो का प्रोसेस चल रहा है. देन क्या करो एको थोड़ा सा लॉग्स बनाने के लिए करते हैं हम लॉग्स बनाएंगे हम. इसके अंदर हमने डेट का फंक्शन डाल दिया और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं मोंगो इज रनिंग विथ पिड डॉलर मोंगो और इसको हम कर देते हैं वार टेम्प के अंदर टेम्प स्लैश मोंगो डॉट लॉग के नाम से फाइल बना देते हैं. और इसके अलावा हम बोलते हैं एल्स एल्स क्या करो एको करो. ठीक है क्या एको करो डेट को एको तो पहले करो. ठीक है उसके बाद क्या करो मोंगो इज नॉट रनिंग. ठीक है और इसको बंद करते हैं और उसके बाद एक फंक्शन बनाते थे मेल अंडर स्कोर फंक का. ठीक है ये क्या करेगा मेल अंडर स्कोर फंक्शन का एक फंक्शन बना देते हैं. कुछ 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 तो मिस हुआ है कुछ मिस हुआ है नॉट श्योर कुछ कुछ तो मिस हुआ है इंडेंशन तो कोई सिंटेक्स एरर है अभी पता चल जाएगा. सही हो कैसे. अच्छा अब एक हम मेल अंडरस्कोर फंक के नाम से एक जो फंक्शन जिसमें हम मेल निकालेंगे अपने पास मेल भेजेंगे. ठीक है इसमें हम क्या करेंगे हम सीधे सीधे एक मेल की कमांड एग्जीक्यूट करा देंगे मेल स्पेस माइनस एस मोंगो मोंगो इज नॉट रनिंग. ठीक है मोंगो इज नॉट रनिंग और किसको भेज देंगे हम. अच्छा उससे पहले हम इसको जो है प्रिंट करा लेंगे थोड़ी सी जस्ट खूबसूरती के लिए थोड़ा सा ये डेकोरेशन के लिए हम ये काम कर रहे हैं डॉलर मोंगो स्लैश टी एम पी स्लैश ईमेल के अंदर इसको रीडायरेक्ट कर दो. ठीक है और यहाँ पे हम फंक्शन एग्जीक्यूट कर देंगे और भेज दो मंसूर अपनी ईमेल पे भेज रहा हूँ खाली मैं आप यहाँ पे डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस को लिख सकते हैं. ठीक है ये मेरा फंक्शन हो गया क्लोज. तो अभी क्या होगा कि अगर मेरा मोंगो का प्रोसेस बंद होगा तो ये मेरे मुझे एक ईमेल राउट कर देगा. इस स्क्रिप्ट को मैं दोबारा से समझा देता हूँ. बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या करा सबसे पहले मैंने मोंगो की प्रोसेस आईडी को ग्रैब करा जिसमें मैंने सबसे पहले क्या पी एस के पूल को यूज़ करते हुए क्या करा मोंगो को ग्रैब करा मोंगो डी को और उसके अंदर से वो क्योंकि जब भी हम ग्रैब का फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये भी एक प्रोसेस होता है तो हमने ग्रैब के एक्चुअल प्रोसेस को वहाँ से रिमूव कर दिया अपने स्ट्रीम आउटपुट से और AWA के ऑक के थ्रू जो है हमने उसको कॉलम वाइज डिवाइड करा और उसके अंदर से सेकेंड कॉलम को प्रिंट कर लिया. दूसरा काम हमने ये करा कि हमने मोंगो के प्रोसेस का काउंट लिया. इसका मकसद ये था कि हम एक कंडीशन लगाते जहाँ पे हम वेरीफाई करते कि जो मेरे पास जो मोंगो काउंट के अंदर अगर मेरा मोंगो का प्रोसेस चल रहा होगा तो उसकी वैल्यू इक्वल टू वन होनी चाहिए. अगर इक्वल टू वन है तो इसका मतलब है मेरा मोंगो का प्रोसेस चल रहा है. अगर इसके अलावा वन के अलावा ज़ीरो या टू या व्हाटएवर जो भी है तो इसका मतलब है मेरा मोंगो का प्रोसेस नहीं चल रहा है. क्या होगा लॉग बन जाएंगे और ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. जब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये पहले एक छोटी सी इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो इस फाइल के अंदर फेंक देगा और एक ईमेल राउट कर देगा जिसका सब्जेक्ट सेट करेगा मोंगो इज नॉट रनिंग और किस पे भेज देगा मंसूर अली 901@gmail.com और ये फाइल का जो आउटपुट होगा वो इस ईमेल के बॉडी में डाल देगा. एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस फाइल को अभी देखते हैं पी एस ए यू एक्स पाइप साइन ग्रैब मोंगो.
तो मोंगो चल रहा है अभी, तो इसको उसूली तौर के ऊपर लॉग बनाने चाहिए खाली, ठीक है, कैट स्लैश टी एम पी मोंगो डॉट लॉग। तो इसने बोल दिया मोंगो इज रनिंग विद पिट दिस दिस दिस। अब हम मोंगो को स्टॉप करते हैं, और अब स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लॉग को देखते हैं। तो इसने बोल दिया मोंगो इज नॉट रनिंग, इसका मतलब है कि ईमेल भी निकल रही है। ईमेल को चेक करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तो ये मेरे पास ईमेल आ गई कि मोंगो इज नॉट रनिंग, और कहाँ से आई है, टेस्ट पीसी से, ठीक है। दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मोंगो इज नॉट रनिंग और मेरे पास ईमेल आ गई, ठीक है जी। मोंगो इज नॉट रनिंग, मेरे पास ईमेल आ गई, क्योंकि ये मैंने ईमेल के सब्जेक्ट में मैंने डिफाइन कर दिया था अपने स्क्रिप्ट के अंदर कि क्या करना है, ईमेल का सब्जेक्ट मोंगो इज नॉट रनिंग रखना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो भी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस तरह की ट्यूटोरियल वाली और लर्निंग वाली वीडियोस बनाने की, बट थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते, उन वीडियोस को शेयर नहीं करते। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हम जैसे लोग जो आप कम्युनिटी के लिए काफ़ी काम करते हैं तो उनको भी प्रमोट करें, ताकि लोगों के हम लोग की भी जो है एक मोटिवेशन बढ़ी रहे, ताकि हम इस तरह के ट्यूटोरियल्स बनाते रहें। सजेशन यही होगी कि आप लोग भी इसी तरह के स्टेप लें, क्योंकि लिनक्स एक ओपन सोर्स है, किसी को पैसे नहीं मिलते इसकी हेल्प जनरेट करने के लिए, सब एक दूसरे की कम्युनिटी में मदद करते हैं। तो आप लोग भी स्टेप अप करें और इन वीडियोस और इसी तरह के वीडियोस भी बनाएं, ताकि जिससे आने वाले नए लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदे हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ नई चीज़ों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन बाय बाय।